अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो लोगों के ऊपर आज मैं ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ इस शो में, और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रखना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ को कि पंजाब के अंदर समीउल्लाह चौधरी एक ऐसे वज़ीर हैं, गालिबन अब उनके ऊपर काफ़ी पर्चे वर्चे भी कटे हुए मुझे पता चला है, लेकिन उनकी और कुछ बातें मैं बताऊँगा भी। और ताहिर चीमा के ऊपर तो 100% पर्चे हैं और बाहर भी पर्चे हैं, और दुबई में भी उनके बाउंस चेक्स के इश्यूज हैं और वो वहाँ से मफरूर हुए हैं। ऐसे लोगों की जब हम पुश बनाई करते हैं तो क्या हम एहतसाब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? हम अपोजिशन से तो हम अपोजिशन को तो बहुत दबाते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी हुकूमतों को या हुकूमती जमातों को, हमें उनको जो है वो भी तो एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रखना है। तो हमारा जो चेक एंड बैलेंस है वो हुकूमत और हुकूमती जमात से होगा, उसके बाद हम अपोजिशन पे आएंगे। अपोजिशन में जो लोग भुगत रहे हैं तो साहब वो तो भुगत रहे हैं, कोई उनको बचाने की बात नहीं हो रही। लेकिन सवाल ये होता है कि ये दो को मसलन आइडेंटिफाई मैंने किया और काफ़ी देर से मैंने किया, तो इसके ऊपर जितना जितना वेट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या उस्मान बुज़दार के ये फ्रंटमैन हैं? क्या इनके पैसे किसी और को जा रहे हैं? क्या इनके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं कि ये बहुत भरपूर और ताकतवर लोग हैं, या क्या वजह है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रमेश कामरान, रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सहर कामरान साहब हैं, और राना अफजल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले रमेश साहब मुझे बताइएगा मुझे कि हम दो महीने से हम बता रहे हैं कि ये दोनों करप्शन कर रहे हैं और ये दोनों गलत आदमी हैं, तो PTI क्यों प्रसिस्ट कर रही है, क्यों उनके ऊपर वो नहीं कर रही? फिर जैसे अब यूसुफ बेग मिर्ज़ा है, उनके ऊपर नैब का नोटिस निकला हुआ है, लेकिन वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में ही काम करी जा रहे हैं, और वो कह रहे थे कि नोटिस गलत है, नोटिस ही जाली है। नहीं है जाली, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, नहीं है जाली नोटिस, लेकिन ये नज़र नहीं आता किसी को क्या? एक आपने यूसुफ बेग मिर्ज़ा की बात की, दूसरी किसकी बात की? समीउल्लाह चौधरी की और ताहिर चीमा की। देखिए, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस चीज़ के ऊपर, अगर किसी हवाले से नैब के ऊपर कोई केसेस या उसकी प्रोसीडिंग है तो उसको हमें अपने आप से दूर करना चाहिए। मगर यहाँ पे एक प्रैक्टिस रही है कि भाई जिसके ऊपर, जैसे बाबर एवान के ऊपर केस हुआ, तो बाबर एवान जो है वो अपने आप को सेपरेट हो गया वहाँ से, और जब क्लियर हो गया तो फिर दोबारा आ गया, तो होना ये चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आपने आज इस इशू के ऊपर उठाया है तो इसके बारे में मेरी तो राय बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी बंदा जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो, उस हवाले से अगर जो है वो हम उसको एक हाईएस्ट लेवल पे रखेंगे तो लाजमी है एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, जिसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं, जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, और यही होती हैं चीज़ें। और इस वक्त मोरली एक सपोर्ट जो है वो मिल रही है इन इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से, तो कम से कम उसका एक मोरल ग्राउंड ये भी होता है कि ये ऐसे बंदे कम से कम हमारे सुफू में नजर नहीं आने चाहिए। अगर 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 ये वजीर चलता रहे पंजाब हुकूमत में तो क्या मेरी उंगली वजीर आला पंजाब पे उठना जायज है फिर? मुबशर, आपको पता है मैं तो बिल्कुल सही बात करता हूँ, और अगर हमारी सुफू के अंदर, अगर कैप्टन के नीचे अगर कोई ऐसा लोग, अगर कैप्टन एक लीडरशिप के साथ कहता है कि भाई मैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा या अंडर इंक्वायरी जो लोग हैं वो नहीं आने चाहिए, तो अगर ऐसी अंडर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगर हमारे पास भी लोग हैं तो मैं समझता हूं उनको भी अपनी दोस्ती वोस्ती को छोड़ के, और उनको भी ये कहना चाहिए कि हम रिज़ाइन करते हैं और जब नीट और क्लीन होंगे तो फिर जो है वो हम दोबारा आ जाएंगे खान साहब की जो है वो, तो ये होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो इन द एंड जो है वो कैप्टन को भी एक्शन लेना चाहिए, मगर कम से कम एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो नहीं तो आईना दिखाने के लिए बहुत कुछ जो है वो एक्ट राइट है। राना, और मैं समझता हूँ तो कई ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं जिससे मैंने इन मैं गलत चीज को डिफाइन नहीं करता जी। राना अफजल साहब, आप तो उस प्रोग्राम में भी शामिल रहे जिसमें मैंने इन दोनों के मुतालिक बातें की, दो महीने पहले भी की, बारिशें जब हुई गंदम की तबाही के हिसाब से आपको याद होगा सारा कुछ। तो क्या वजह है कि इन पे जून ही रिंग रही, इन पे पर्चे कटे हुए हैं, FIRें कटी हुई हैं, बाउंस चेक्स हैं, लेकिन कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है?
مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی یادداشت ختم نہیں ہو جاتی, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ اگلے دن انہوں نے کیا نیا ڈرامہ چھیڑنا ہے تاکہ پاکستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بات نہ ہو سکے. کبھی وہ آپ آ جائیں گے لندن کے اخبار کے اوپر, کبھی آپ آ جائیں گے کہ یہاں فلاں چیز ہو گئی, فلانی چوری ہو گئی, شہباز شریف نے یہ کر لیا, اس قسم کی وہ اپنے جو ان کے مسائل ہیں. میں آپ کے ایک پروگراموں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی ریسنٹ بات ہے کہ 9,000 انلیگل تبادلہ ہوا ہے صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ میں. میں 10 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اب میرا خیال ہے کہ اگر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے تو پھر میں ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دوں کہ جو پچھلے 3 مہینے میں تبادلے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ منگا کے دیکھ لیا جائے. تو مطلب یہ ان کے اپنے بندوں کی جو آپ نے یہ بات بتائی ہے, ایک صاحب ہیں جو سب سے زیادہ بولتے ہیں, وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں مورل ٹرپیچوٹ کے اوپر ان کو فارغ کیا گیا تھا, نکالا گیا تھا. میں نہیں سمجھتا پرچہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, ان کو نوکری سے نکالا گیا تھا, خواتین کے جلوس نکالا تھا ان کے خلاف. آج وہ بھی بڑے ایڈوائزر ہیں, بڑا چہک چہک کے بولتے ہیں پنجاب کے اندر. تو یہ اپنے ابھی فرمایا میرے بھائی نے رمیش نے کہ بابر اعوان کلیئر ہو کے آ گئے. کلیئر نہیں ہو کے آ گئے, وہ کلیئر کروا لیے گئے. تو ابھی جو ریسنٹلی جب ویڈیو ٹیپ آئی تھی ہمارے نیب کے چیئرمین کی, اس کے بعد جو انہوں نے پہلی تقریر کی, انہوں نے کہا جی پہلی 35 سال تو نون لیگ کی اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, تو پہلے تو میں وہ 35 سال کے کیس کروں گا. یہ تو اب آئے ہیں بیچارے 10 مہینے پہلے, ان کی باری ان کی زندگی میں نہیں آئے گی. تو یہ حالات ہیں جہاں پہ یہ ہو جائے کہ آپ نے تو ان کو بلینک چیک دے دیا نا, اب تو وہ اور دھڑلے سے کریں گے مبشر لقمان صاحب جو وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی باری تو ہمارے بعد میں آنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں شخصیات کی بات نہیں کروں گی, میں تو اب یہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں آپ کی شخصیات پہ نہیں سوال اٹھتے. دیکھیں بات یہ نہیں, میں سوال اٹھاؤں گی نظام پہ. میں پوچھوں گی کہ احتساب کا جو یہ نظام ہے یہ اندھا ہے یا کانا ہے, یعنی اس کو نظر نہیں آتا, یا اس کو ایک سائڈ سے نظر آتا ہے اور دوسری طرف نظر نہیں آتا, یا آج کا جو آرڈر آف دا ڈے ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی مخالفین کو ایلیمنیٹ کیا جائے. آپ جب بات کرتے ہیں احتساب کی, آپ جب بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی, آپ جب بات کرتے ہیں صاف و شفاف کی, پہلے تو ہم اسی بات کا رونا رو رہے تھے کہ جو سرف ایکسل ہے جس سے جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اس کے داغ سب اچھے ہوتے ہیں. تو یہ میں یہاں پہ اس بات کو بھی جو ہے انڈورس کروں گی رانا صاحب کی کہ جو ہے بابر اعوان کو کلیئر کروا لیا گیا. احتساب کا جو پورا عمل ہے اس وقت بالکل متنازع ہے. جہاں عدل اور انصاف پہ اعتماد نہ رہے وہاں پہ کیا نظام چلے گا؟ یعنی آپ کی ہم نے ڈیموکریسی دیکھی, ہپوکریسی دیکھی, اب ویڈیوکریسی ہے, ویکی لیکس, رمیش کمار صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی بات بھی کی ہے رانا افضل صاحب نے, وہ جو ڈیلی میل میں یہ آرٹیکل آیا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف, یہ آپ کریں ابھی کر لیں, یہ تو پہلے بھی آ چکا ہے, بی بی سی ڈاکیومنٹری بھی دے چکی ہے, اگر سارے غلط ہے تو ان کو بھی سو کریں. مجھے میرے پاس ابھی ان کے ایک پروگرام میں یہ دو باتیں ابھی ہوئی, ایک تو ابھی آپ نے بات کی جی, ایک تو ابھی آپ نے آرٹیکل کی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اوپر بھی الزام یا کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو لازمی ہے برٹش گورنمنٹ بھی اس کے اوپر سوچے گی. ہمیں کم سے کم ریمارکس جو ہے کسی کے حوالے سے جلدی میں نہیں دینے چاہیے, نمبر ون. نمبر دوسری بات کی بابر اعوان کے حوالے سے, بابر اعوان کے حوالے سے یہ دوسرا پہلو ہے جہاں پہ کوئی کلیئر ہو جاتا ہے ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مینیج کیا گیا, یا جیسے میاں صاحب کو ضمانت نہیں ملی, شہباز شریف کو ضمانت ملی تو پھر کہا کہ شہباز شریف اپنی اندرونی سیٹنگیں بنا رہا ہے. تو یہ الزامات اندر سے لگتے رہتے ہیں, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, مگر جو پرنسپلی جو میں نے باتیں کی ان چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونی چاہیے, لائن کلیئر ہونی چاہیے. تو وہ میں وہاں پہ کلیئر ہوں, مگر بابر اعوان والی بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے کل ایک چینل پہ میں نے تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی راجہ پرویز اشرف کے اوپر اسی کے اوپر کیس چل رہا ہے, اس کو بری کیا گیا. تو وہ آپ جج صاحبان سے پوچھیں کہ کیوں کریں, وہ انکوائری جو کریں ان سے پوچھیں, ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں, اگر اداروں کے اندر بھی اگر کوئی کرپشن ہے یا کوئی مس ہینڈلنگ ہے یا ایسی کوئی ہو رہی ہے تو اس کو صحیح کرنا آپ لوگوں کا کام تھا جو 10 سالوں میں نہیں کیا, تو کم سے کم آج پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں غلط ہیں. تو میں پرنسپل کی بات کرتا ہوں,
کیوں نہیں کیا پانچ سال پیپلز پارٹی نے؟ وہ نون لیگ کے خلاف، نون لیگ نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے تو یہ دور نہیں ہے نا چیزیں، مجھے چودھری نثار کا وہ وقت یاد ہے، بار بار چودھری نثار کہتا تھا بڑے میاں صاحب کرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ جو کیس آج منی لانڈرنگ کے بنے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب کے اوپر، کس نے بنائے تھے؟ یہ سارے کیس چودھری نثار نے بنائے تھے، سارے کیس اس نے کہا یہ میرے پاس پروف ہے، مگر اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ میں، شہباز شریف صاحب، چودھری نثار، بڑے میاں صاحب بیٹھے تھے، میاں بڑے میاں صاحب سن کے چلے جاتے تھے، نہیں نہیں ایسے ہم کریں گے، پھر وکٹم ایک منٹ بات کر لیتے ہیں نا، بات کر لیتے ہیں، کیا کہتی ہیں سہر؟ میں تو پہلے یہ ڈیوڈ روز کی سٹوری کے بارے میں کہنا چاہی تھی، مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ڈیوڈ روز سے بات کرنے کے لیے، تین چھوٹے چھوٹے سوال تھے میرے پاس جو میں نے اس سے پوچھے، اور مجھے کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہیں ملا۔ پہلی چیز کہ ڈیوڈ روز نے کہا کہ اس کے پاس ویریفائڈ اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، کیا سورس تھی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کی وہ سورس جو ہے وہ پاکستان سے اوریجنیٹ کر رہی تھی یا یو کے سے اوریجنیٹ کر رہی تھی؟ دوسری چیز، ہی سیٹ کہ جی فیسیلیٹیٹ، ہی واز فیسیلیٹیٹڈ ٹو ڈو دا انٹرویوز، ٹھیک ہے، جو ان لوگوں کے جو کہ وعدہ معاف گوا بن گئے جو انڈر کسٹڈی تھے پاکستان میں، اس کو یہ سہولت کس نے فراہم کی کہ جی وہ آئے، وہ لوگ جو زیر حراست ہیں ان کے جا کے وہ انٹرویو بھی کر لے؟ بڑی بات ہے، زرداری جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، پہلی بات یہ، ہاں وہ انڈر تفتیش ضرور ہے، پہلے 11.5 سال کے، اچھا ایک منٹ پہلی بات، وہ پروڈکشن آرڈر پہ تھے، وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، وہاں پہ جب جائیں آپ نئے پہ چلے جائیں، آپ کو صحافی نظر آتے ہیں جو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، نہیں پلیز مجھے ختم کرنے دیں۔ دیکھیں آپ آصف علی زرداری کی بات کر کے اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہی واز فیسیلیٹیٹڈ، کہ وہ لوگ جو جیل کے اندر ہیں، جو گرفتار ہیں، وہ ایک دوسرے ملک کا، وہ آئے اور وہ ان سے نا میرا منہ کھلوائیں، وہ ان کے جا کے انٹرویو کر لیں، ڈیوڈ روز ہمارے گھروں سے بہتر جیلیں ہیں، ایسا میرا منہ کھلوائیں، تو یہ دیکھیں ڈیوڈ روز جا کے انٹرویو کر لیں، میرا مطلب ہے کہ ڈیوڈ روز نے غیر ملکی ٹھہر جائے نا، پی پی ایک منٹ اخلاق کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیوڈ روز نے غلط لکھا ہے تو آپ کے پاس بہت قانونی تقاضے ہیں، جو آپ باتیں کرتے ہیں آپ کرتے نہیں۔ ایک منٹ، اس سے پہلے ڈیلی میل نے کچھ مہینے پہلے دوبارہ یہ کہانی لکھی تھی، پینٹ ہاؤس اور پائریٹس اور یہ وہ، آپ اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکے۔ پانچ سال پہلے بی بی سی نے یہ کہانی لکھی تھی کہ گوال منڈی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد گارڈین نے کی ہے، اس کے بعد اوروں نے کی ہے، ٹھہر جائیں۔ آپ یہ ایسی فیملی نہیں ہے کہ جس کے پاس ریسورس نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جس کا سٹیک نہیں ہے۔ مجھے اس سٹوری کو مجھے ویریفائی یا نہیں کرنا، میں ویریفائی یا اس کو نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ سٹوریاں صحیح ہیں، وہ اگر صحیح نہ ہوتی تو ابھی تک چیلنج ہو گئی ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی حکومت کیا کوئی یہ سوچ رہا ہے مبشر صاحب کہ یہ جو ابھی سٹوریز اس طریقے سے بریک کروائی جا رہی ہیں، ان کے نتائج کیا نکلے جا رہی ہیں، ہر جگہ نتائج کیا نکلے، ہر چیز کو کانسپریسی میں مت لے کے جائیں۔ کل سر ایک منٹ پلیز، اپنا بچوں والی باتیں نہ کریں میرے سے، کیا ہو گیا؟ کوئی بریک نہیں کرا رہا، آئی تھنک ڈونٹ گو ہائی، نہیں بریک نہیں کرا رہا کوئی، کیا بریک ہو رہا ہے؟ ایک اخبار نے اپنی سٹوری دی ہے، وہ کون بریک کرا سکتا ہے؟ ایک اخبار نے سٹوری دی ہے، دی رائٹر ہیز بین فیسیلیٹیٹڈ۔ اور دوسری بات کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی لانگ ٹرم کانسیکوئنسز اور امپلیکیشنز کیا ہوں گی، پیسے دیں نہیں، چارج آپ کو کیا اس نے، پیسے کیوں دیں؟ اگر کل کو آپ، ایک منٹ مبشر، اگر کل کو آپ کے وقت ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، آئندہ کوئی آپ کی امداد کرے گا؟ ایک سیکنڈ، آپ کے اوپر الزام لگایا ہے جس نے، شہباز شریف صاحب کے اوپر، شہباز شریف کو چاہیے یا اس الزام کو مانے بالکل، یا اس کو ریفیوٹ کریں، وہ تو نہیں کر رہے، وہ ان کا، دیکھیں وہ ان کا تعلق، اس نے میرے اپنے جینوئن کوسچنز ہیں، پیمنٹ دی انہوں نے، اکاؤنٹس کی پیمنٹ دی، فرنٹ مین کے نام بتائے، ان کے دماد کو دھویا، اس میں کتنی کو غلط ہے یار؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، I'm just, I have three valid questions, میرے تین valid questions ہیں کہ who provided the document, who facilitated the interviews, and why different reported the story. آپ کے ڈاکیومنٹ وہ questions ہیں نا valid ہیں، میرے تین valid questions ہیں، valid ہیں but especially تیسرا والا بہت valid ہے، but anyway وہ سٹوری اس سے غلط نہیں ہوتی ہے، میرا سٹوری سے تعلق نہیں ہے، میرے تین کوسچنز میں آتا ہوں میرے تین کوسچنز، رمیش کمار صاحب آپ سن رہے ہیں کیا ہماری بحث ہوئی ہے؟ دیکھیں مبشر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جب پاناما کا ایشو آیا تب بھی ہماری جب انٹرنل میڈیا، ہم کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے چیلنج کرو، تب بھی جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا گیا، آج بھی دانیال عزیز نے کتنا کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں وہ آئی سی ایس جے کو میں سو کرنے جا رہا ہوں، آج تک نہیں ہوا،
ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि इंटरनेशनली ये अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कभी किस हवाले से, कभी किस हवाले से, कभी गिफ्ट के हवाले से, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को एक तरफ होना चाहिए, और जब एक तरफ ये चीज़ें नहीं होंगी ये हमारे मुल्क का इमेज ख़राब होता जाएगा। सही या गलत, मैं तो देखो किसी को चोर तब तक नहीं कहता जब तक किसी को अपनी आंखों से देखूं, मगर कहते हैं कि जब बात वहाँ पे आती है, बदबू वहाँ पे आती है, खुशबू वहाँ पे आती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे किसी के पास क्यों नहीं आती। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं आदमी को। और दूसरी चीज़ मैं इस चीज़ के ऊपर भी हूँ कि भाई जो भी बात हो सोच समझ के बोलनी चाहिए, चाहे जो अपोजिशन हो चाहे और भी चाहे गवर्नमेंट हो, सोच समझ के बोले। कम से कम इंटरनेशनल जो इशू हो उसके ऊपर हमारे रिमार्क्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम अपनी मुल्क की लीडरशिप के हवाले से माजी में गलत थी या आज गलत है, उसका इमेज भी आते हैं इस पे। राणा साहब से मैं ज़रूर इस पे बयान दूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टेक ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक से जाने पर ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी बातें हो रही थी, राणा अफजल साहब को मैंने होल्ड कराया था। राणा साहब क्या फरमाएंगे आप? देखिए मुबशिर साहब, मैंने ये आर्टिकल भी पढ़ा है, आपने यकीनन पढ़ा होगा। इसका टाइटल क्या है? वो शुरू होता है डिड ही डू दैट, डिड के लफ्ज़ से शुरू होता है। तो वो तो जो डेली मेल वाला है वो तो बच गया, वो तो कहेगा मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा पूछा है कि डिड ही डू दैट, और उसके बाद उसने अंदर एक स्टोरी बता दी। तो ये लोग जो हैं टेबलॉयड वाले, यूके वाले, वो वहाँ के जो लॉज हैं उनके साथ प्ले करते हैं, उनको पता है। फिर आप कहते हैं कि जी कोर्ट में कोई नहीं गया, तो कोर्ट में कैसे जाएगा वो कहेगा मेरा तो टाइटल है डिड शहबाज शरीफ डू दिस, तो मैं तो कहा ही कुछ नहीं और क्या भी सब कुछ गया नहीं। लेकिन आगे तो आपका जो यहाँ पे है नाम लिया, फ्रंट मैन का नाम लिया, जब उसने ये कहा कि देखिए राणा साहब, जब उसने कहा कि मुबशिर के थ्रू पैसे मिले, लुकमान को मिले पैसे, उसके अकाउंट में गए और वहां से इतना हुआ और वो उनकी फैमिली के अकाउंट में आया, तो अब वो एक्यूज कर रहा है और अब वो यानी प्रॉपर उसको एक डुम पे खड़ा हो गया, अब वो डेड वाली बात नहीं रही है। देखें वो जो उसने कहा कि डिफेंड ने डिनाई कर दिया, जो उसने कहा इरा है, इरा का एक लेफ्टिनेंट जनरल चेयरमैन है वो खामोश है, उसके 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 महकमे में डाका पड़ गया। राणा साहब डिफेंड का तो मसला ये है कि डिफेंड ये क्या करेगा, उनको क्या पता कि पाकिस्तान में आके चोरी हुआ है पैसा के नहीं हुआ, वो डिफेंड डजंट नो दैट। मैंने डिफेंट के साथ काम किया है। पहली बात तो ये है राणा साहब, मैं कौन अगर मुझे अगर मौका दे, मेरी एक कर सुन ले जी, अगर मैं आपके मुतल्ले कोई नाजेबा कलमात इस्तेमाल करूं किसी भी खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से, आपको बिल्कुल पता है आपने कैसे अपना जो है ना यू हैव टू टेक मी टू टास्क। तो ये नहीं हो सकता कि मियां साहब की रेपुटेशन डैमेज हो रही हो और उनको ये नहीं पता हाउ टू टेक डेविड रोज टू टास्क। देखें वो उनकी टीम चली गई है, अगर उनको ब्रिटिश लॉयर्स ने रास्ता दिया तो वो केस जरूर कर देंगे। अगर ब्रिटिश लॉयर्स ने ये कहा कि ये जो है लाइबल जो है लिबरल है, तो वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शहजाद अकबर ने चेक पेश किए हैं उनकी सपोर्ट में, वो चेक तो अली इमरान के नाम के नहीं हैं, वो चेक तो किसी कंपनी के नाम के हैं। तो अगर वो कंपनी में गए हैं तो वो सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन है, सब्जेक्ट टू टैक्स है। हाउ कैन ही ब्लेम के इमरान का नाम ले लेके उनके खानदान के बच्चों का नाम लेके। तो अगर आप जो इराक का फाइनेंस डायरेक्टर था उसने खुद अपने मुंह से माना है कि मैंने इनको डायरेक्ट पेमेंट दी है, वो देखे ना उसको इन्वेस्टिगेट करें, वो पेमेंट एक कंपनी में गई है, कंपनी से कहां गई है उसको आप लीगली आप कोर्ट में लेके जाएं, इरा का चेयरमैन बताए कि मैंने इन हाउस इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। अ पेनफुल क्वेश्चन, पहले उस इदारे के अंदर इदारे ने क्या किया? आपकी बात मान लंदन से आके तो एक बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इदारे का चेयरमैन क्या कर रहा है? बाहर की खबर आई है तो सबसे पहला काम है चेयरमैन इरा का कि वो अपना घर देखे कि मेरे घर में क्या हुआ है और बोले कि मैंने क्या, उसका क्या जवाब है। शहजाद अकबर कौन है? शहजाद अकबर तो फैसिलिटेटर है, जो उनको जेल में भी लेके जाता है, जो विटनेसेस भी खड़े करता है, जो मेरे जैसे बंदे पे भी जाली नैब के केस बनाता है, वो शहजाद अकबर के आप बात मानेंगे? और फिर अगर वो मुझे, ये तो वो लोग हैं, आज इन्होंने वो गिरफ्तार कर लिया मूवी बनाने वाला, कल को ये गिरफ्तार करेंगे उस बस की सवारियां जिसने साहिवाल के कत्ल की तस्वीरें बनाई थी, क्योंकि ये हर जुर्म को छुपाना चाहते हैं, हर मुजरिम को बचाना चाहते हैं।
और ईमानदार है। नासिर भट्ट भी बाहर चला गया ना। अब मुझे बताएं जिसने मूवी बनाई है उसका क्या जुर्म है? उसने तो एक बद किरदार शख्स को मंजा कर दिया। जो साहिबाल की बस की सवारियां थी, राणा साहब अगर वो फैब्रिकेटेड वीडियो इस्तेमाल करके अब वो अदलिया के मेंबर्स को जिक पहुंचा रहा है तो वो गलत है, वो जुर्म है। बट एनीवे रमेश साहब उसको क्यों गिरफ्तार किया? बिल्कुल गलत है, मैं तो ये समझता हूँ कि राणा साहब बहुत अच्छा बंदा है। गलत चीज को चाहे कोई भी मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो उसको गलत डिफेंड नहीं करना चाहिए। आदमी को जो बात करनी चाहिए अपने जमीर को जगा के बात करनी चाहिए। गलत चीज़ है उसको गलत कहे, जैसे मैंने अभी गलत कहा कि भाई ये गलत है, तो ये प्रिंसिपल होने चाहिए आदमी के अपनी लाइफ के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो के हवाले से कोई भी आज अगर मुझसे कोई मिलते आता है बात करता है, ये एक बिल्कुल साइबर क्राइम में आता है। और इस तरीके से आप वीडियो बनाएं और ये तो बिल्कुल चीज़ें गलत हैं। और उस हवाले से अगर कोई भी कंप्लेन करता है उसकी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी होता है, तो वो क्लियर है बात। दूसरी जो है वो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तीसरी बात की मेरी बहन सहर कामरान ने कि भाई आसिफ जरदारी साहब जो है अभी तो इंक्वायरी, तो ये जितने भी नाम जो 3-4 लिए जो मैंने कहा था कि ये चीज़ें गलत हैं मुबशर साहब ने, वो भी अंडर इंक्वायरियाँ हैं, वो भी इस लेवल पे नहीं है, ये तो लेवल बढ़ गई है। तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, इसके इन्फ्लुएंस से फ़र्क आता है। तो इस वजह से आप उस चीज़ों में आसिफ जरदारी साहब को भी जो है वो ऐसे नहीं समझें कि ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमें भी अपनी ट्रांसपेरेंसी, जैसे दहशतगर्दी के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि हम एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, मगर हमने अपने एक्शन से दिखाया कि नहीं, अब वो चीज़ें नहीं होंगी, इन के खिलाफ एक्शन होगा, तो दुनिया खुद कहती है कि अब ये सही रास्ते के ऊपर आ गए। तो कम से कम इन हवाले से भी अगर कोई हमारी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर शक किया जाता है तो उस हवाले से भी हमारे एक्शन जो है वो शो होने चाहिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी लोग समझदार हैं। मुबशर साहब जैसे भी बंदे बैठे हैं और भी एंकर बैठे हैं जो हक और सच की बात करते हैं, वो कहेंगे ये गलत काम है, ये सच काम सही काम है। अगर आप 3 प्रोग्राम देखें मुबशर साहब के, तो आज उन्होंने PTI को भी क्रिटिसाइज किया कि भाई ये बंदे जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं तो ये क्यों है। अगर सहर कामरान ने पीपुल्स पार्टी को डिफेंड करने की तो बिल्कुल हाइपर हो गए, और हाइपर इस वजह से कि दिल में दुख होता है कि यार मैं गवर्नमेंट को नहीं बख्श रहा हूं, मगर ये अपने आप को गलत चीजों को डिफेंड कर। वैलिड सवाल पूछ रही थी राणा साहब को भी, ऐसे ही होना चाहिए कि पेशेंट के साथ गलत चीज को कहें कि ये गलत है। अपनी पहले भी पनामा के इशू से भी उनको चैलेंज नहीं किया, अभी भी यहां से टीम भेजना कि वो टीम देखेगी ब्रिटिश, कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं समझता हूँ हमारे काम, हमारे एक्शन जो है वो खुद ब खुद शो करेंगे कि ये चीज गलत है या नहीं है। वीडियो के हवाले से right. जो एक्शन हुआ है, मेहमान मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आता हूँ। सारा पिस टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप जब आई थी मेरे पास ऑफिस में, हम बैठे हुए थे, तो एक हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, वो ही बैठे थे और वो मुझे बता रहे थे कि ये चंद महीने में हर हाल में हुकूमत जा रही है और इसको गिराया जाएगा और यही है वजह। ये क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, PTI की हो, कि कोई ना कोई एक एजेंडा लेके रहता है कि मैंने गिराना, यानी क्यों नहीं चल सकती ये हुकूमतें? पहली बात तो है कि आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन कि मेरे जो 3 वैलिड क्वेश्चंस थे, दीज क्वेश्चंस स्टार, ये किसी की सपोर्ट में नहीं थे, ये पाकिस्तान की सपोर्ट में थे कि हम ये देखें कि ये जो स्टोरीज हैं, क्या जब हमारे अपने एहतसाब के इदारे इंडिपेंडेंटली ये कैपेसिटी नहीं रखते कि वो फेयर ट्रायल कर लें, तो फिर ये जो स्टोरीज फैसिलिटेट करना है, आप कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए देखें कि जी यू कैन गिव देम एक्सेस के वो प्रिजनर्स के इंटरव्यू कर लें, यू कैन गिव देम एक्सेस के वो डॉक्यूमेंट्स ले लें, यू कैन गिव देम एक्सेस के वो जो है डिफिट की स्टोरी को रिबट कर, जो रिबट हुई हुई है उसके ऊपर भी जो है इग्नोर कर दें। लेकिन इम्प्लीकेशंस क्या है कि कल एट द टाइम ऑफ नीड कि पाकिस्तान को कोई इदारा हेल्प करते हुए सोचेगा कि इट इज़ अ करप्ट इन्वायरमेंट, जो उसने कहा। दूसरी चीज़, अब आप किस पर आ जाएं कि जी हुकूमत गिराना चाहते हैं, हुकूमत कोई गिराना नहीं चाहता। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़ुज़ात और सियासी इख्तलाफात के बावजूद PMLN की हुकूमत को सपोर्ट किया, इसलिए कि सिस्टम का तसलसल रहे, और तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद तमाम पार्टीज को मोटिवेट करके पार्लियामेंट में बिठाया कि सिस्टम का तसलसल रहे।
ऑफर भी किया गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट के पास नैरेटिव चोर डाकू है। बिलावल साहब के अमेरिका के दौरे का ऑब्जेक्टिव क्या? ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर नहीं। मैं इस वक्त ये कहूंगी कि हम ऐसे शोषे मत छोड़े, असल जो फोकस है, नहीं मेरा जो मैं जिस पे बात करना चाह रही हूँ ये पूछ रहा हूँ, वो आपको पार्टी को बताया होगा ना कि ये ऑब्जेक्टिव है। देखें बात ये है कि मैं आपसे ये कहूंगी कि हम असल जो इश्यूज हैं आज के उनको देखें, तो आपका मैं जो जिस पे बात करना चाह रही हूँ कि हम कभी स्टोरीज कभी कोई और ब्लो आउट, आप ये देखें कि आज कब्रों पे भी टैक्स लग रहा है, ये जो रोजाना की स्टोरीज नहीं लग रहा, मगर दीज आर दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो हुकूमत इन लाइन सोचती है। मुझे एक बात बता दें, बिलावल भुट्टो साहब क्या निजी दौरे पे गए हैं? नहीं, आपका ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और ऑफिशियल दौरे पे गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी के चेयरपर्सन है जी, और वो ऑफिशियल दौरे पे गए हैं अपनी पार्टी के जी। आई एम नॉट प्रिवी टू द, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ओके फाइन, आपको पार्टी में शेयर नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल जो है मेरे पास उनकी जाती दौरे की इन्फॉर्मेशन नहीं है, शेयर नहीं किया जी जी बिल्कुल, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि असल जो आज के मसाइल हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को देखें, आप जो है आज ये देखें कि आम बंदे के जो है हालात जिंदगी कैसे हैं, अपने करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना है, मैं कहूंगी जरूर लें, एडीबी की रिपोर्ट है ठीक है, मुझे एक बात तो बताएं, बीआरटी के मंसूबे पे लें, जब से हमारा बेनामी अकाउंट्स पे लें, बड़े हमने कर चुके हैं उसको, बीआरटी के मंसूबे पे आप प्रोग्राम कर चुके होंगे, एक्शन तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम कर चुके, मेरा मतलब है कि एक्शन आपकी हुकूमतों में कई प्रोग्रामों पे नहीं हुआ था, तो लेट्स नॉट गेट, आई मीन नहीं नहीं, मैं तो रेस कर रही हूँ कि दीज आर द वैलिड, मैं भी उस वक्त रेस कर रहा था। एनीवे बात यह है राना अफजल साहब के, जब से मैं मुझे होश है ना, मैं तब से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर्स कमजोर हैं, जमहूरियत कमजोर है और मईशत कमजोर है, कभी इनमें से कोई चीज बेहतर हो सकती है? काफ़ी नाउम्मीदी है, काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीदी है, और मुझे जो असली चीज़ है सिविलियन सुप्रीमेसी जो हिंदुस्तान में है और आपके मुल्क में नहीं है, वो एक फसाद की जड़ है, और अगर वो नहीं ठीक होगी, जो नहीं ठीक होगी मेरे ख्याल में, क्या होती है सिविलियन, तो इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं। आप हुकूमत करके गए हैं, दूसरी हुकूमत है, सिविलियन है, आपसे पहले भी सिविलियन हुकूमत थी, आप इस तरह की बातें करने से तो आप लोगों का दिल खराब करेंगे, जान नहीं छूट सकती, हो चुका है। हम जब आए थे तो एक मायूस पाकिस्तान था, रोज़ के 10-10 बम धमाके होते थे, बिजली के लोड शेडिंग थी, हमने 4 साल में काम करके दिखाया, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए फर्ज़े वाहिद के लिए पनामा आ गया, मायूस पाकिस्तान हमने नहीं छोड़ा था, इससे पहले फर्ज़े वाहिद के लिए पनामा आ गया, सर पैनामा जो है वो पाकिस्तान, इन्होंने एक होपफुल पुरउम्मीद पाकिस्तान को नाउम्मीद पाकिस्तान बना दिया। पैनामा तो यहाँ से नहीं आया, ये तो यहाँ वालों के बस में भी नहीं था। नहीं नहीं, पैनामा रशिया भी गया था, चाइना भी गया था, सिर्फ पाकिस्तान ने उसको कैच किया। कई हुकूमतें गिरी हैं सर, कई लोगों ने उस पर रिजाइन किया। रमेश कुमार साहब, कोई मुझे बताएं कौन सी गिरी है ना, आइसलैंड की भी नहीं गिरी, वो यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, कितना क्या था? रमेश कुमार साहब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के ऑप्टिक्स इतने क्यों कमजोर हैं कि जो काम आप अच्छे भी करते हैं लोगों को पता नहीं चलता, तो पीटीआई की इतनी क्या नलायकी हो गई? अब देखिए, मैं समझता हूं जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से प्रमोट होना चाहिए, मगर हमारी जो थोड़ी सी सोशल मीडिया हो या हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो वो जो क्रिटिसाइज में थोड़ी सी ज़्यादा बिजी होती है, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो जो चीज़ें अच्छी हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि आज जिस वजह से ये टैक्सेस लग रहे हैं, जिसके लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे जो है वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो उसकी वजूहत क्या हैं? अगर यही हम वजूहत बताएं कि ये कर्ज़ा इतना बड़ा था, ये कर्ज़ा इस टाइम से इतना बड़ा था और आज इतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, 5.5 ट्रिलियन में से 3 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाता है कि माजी की हुकूमतों ने लिया है, तो मेरे ख्याल में यही बहुत कुछ आईना है। अगर हम पब्लिक पॉपुलर फैसले माजी की तरह ऐसे ही करते गए, पहले सीपैक हुआ, पहले जिस तरीके से जो चीज़ें थी, जिस जो जो डेवलपमेंट को फास्ट किया गया, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं, हमसे दूर नहीं है, हमें हर चीज़ का पता है। मैं समझता हूँ हमारी राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश है कि हमें अवामी इशूज़ को सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को फोकस करना चाहिए,
इंक्लूडिंग हमें हमारी गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टी, सारा दिन एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच और क्रिटिसाइज से हम निकले। सही चीज़ को सही कहें, और ये जो है ज़मीर हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मेंबरान का बनना चाहिए। गलत चीज़ में, मैं पनामा का इशू था, दो साल में पनामा, मुझे वन लाइनर की इजाजत दे दें, वन लाइनर। मैं नून लीग में था, एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट JIT मैं नहीं गया। मैंने कहा अगर मियाँ साहब के ऊपर केस आए हैं, मैं आता था, आपके शो में आता था, मैं कहता था कि भाई लीगली इसको हैंडल करना चाहिए, हमारा काम नहीं है। अगर कल मेरे इस वक्त लीडर इमरान खान के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है तो मैं कहूं कि मैं उसके साथ जाता हूं। ऐसे मत कह, ऐसे बड़े इल्जाम है, ऐसे मत कह। पर राणा साहब की बात सुन ले जरा, राणा साहब को वन लाइन के लिए चाहिए। मैं राणा साहब के लिए कह रहा हूं, राणा साहब वन लाइनर जी। मैं देखें, आपने कहा कि मायूसी ना फैलाएं, मुझे बताएं कि आज मीडिया वाले इतने मायूस हैं कि मेरा भाई मुबशर लुकमान भी यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहा है। कम अज कम यूट्यूब के ऊपर उसने अपना दूसरा बेस बना लिया है, और स्मार्ट बात है, और आपने अच्छा किया, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ बंद कर दी जाएगी। आप जैसे औरों की आवाज़ बंद कर दी जाएगी तो YouTube तो ये बंद नहीं कर सकेंगे। तो ये हालात, ये अक्कासी करते हैं आज के पाकिस्तान के। मैं मायूसी नहीं फैलाता, मैं फाइटर हूँ। ठीक राणा साहब, ये भी तो सही है ना कि आप लोग बतदरीज अपने वोटर्स को इम्तिहान में डाल देते हैं। आप जरा बेर करिएगा मेरे सवाल को, आप और सहर दोनों, कि आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर मुल्क दुश्मन के, आप लोगों ने एक दूसरे पे हिंदुस्तान का एजेंट होने पे और पता नहीं क्या क्या नारे मारे हुए हैं, और अजीब अजीब तस्वीर भी फेंकी हुई हैं, और अजीब अजीब फैक्ट फाइंडिंग भी है। कभी कोई सिखों की लिस्ट आ जाती है तो कभी को कुछ आ जाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, क्या ये सही नहीं है कि आप लोगों ने अपने अपनी जगह पे खड़े होके पॉलिटिकल पार्टीज को जो आपके मुखालिफ थी, कभी भी उनको इतना खोखला और कमज़ोर कर दिया कि उससे बड़ा होना जो है एक जुर्म हो गया। यानी अगर मैं ये देखूं तो मुझे लगता है कि सियासी जमातों ने एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। आखिरी जुमला जो है ना कि एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो क्वेश्चनेबल है। पहले हम और एक बाहर होके डिवाइड होते थे, आज एक अंदर और दो बाहर होके डिवाइड हुए हैं। इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हुई है। नुकसान हमने भी पहुंचाया, हमसे पहुंचवाया भी गया, हम यूज भी हुए और हमने खुद अपने आप को इस्तेमाल भी किया। तो यही तो बदकिस्मती है हमारी। मैं एग्री करता हूँ। सर कामरान तल्ख माजिए, आई वुड एंडोर्स जो राणा साहब ने कहा है। बात यह कि हम जो है वो छोटे इंटरेस्ट पे लार्जर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यकीनन वोटर्स का भी हमारे ऊपर एतमाद जो है उस वक्त हिल जाता है जब आप ये देखें कि आपका बयानिया बदल रहा है, और हमें भी अपना बयानिया डिफेंड करना जो है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि माजी बेशक बहुत तल्ख है, और अगर आज भी हम नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। हम यकीनन मुखालिफत करें, कॉन्टेस्ट करें, उन इश्यूज पे करें जिनका ताल्लुक मुल्क से है। जो ये जो दुश्मनियां बढ़ के जाती दुश्मनी में हो जाते हैं, देखना होता क्या है कि आपको लोग ऊपर से मेरा जवाब सुन ले फिर मारते हैं, आप लोग जरा ठहराव दिखाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मेरे जैसा अगर कोई पोलिटिकल वर्कर नीचे, उसने लड़ लड़ के गले फाड़ के उसने नारे मारे हैं दूसरों के खिलाफ, तो वो तो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। हम सब अंदर से पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम सब अंदर से जो है इंजर्ड भी हैं। लेकिन बात यह है कि हमने अपने मजहब से भी एंड अदरवाइज, और मैंने अपनी लीडर से भी सीखा जब उन्होंने बोला कि रिकंसिलेशन, तो आई बिलीव कि हमने अभी कोई खानदानी जाति दुश्मनियाँ नहीं है। लार्जर इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए, और अगर हम कॉमन कॉज सामने रखें टू प्रमोट पाकिस्तान, टू प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो मेरा ख्याल है कि हम जो जाती हमले हैं इनको छोड़ दें, क्योंकि इससे सिर्फ ये कि ना सिर्फ हम खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपनी आइंदा नस्लों को जो है ना उनके रास्ते। रमेश कुमार साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि PTI के कुछ ऐसे लोग हैं ज़रूर जिनका लहजा, जिनकी टोन, जिनकी वोकेबलरी जो है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। और फिर आपके यानी जो सोशल मीडिया पे जो सपोर्टर्स हैं, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल गाइडलाइन है या वो वैसे ही नेचुरल हैं कि जब वो किसी के पीछे पड़ते हैं तो वो इखलाकियात की बहुत सी हदों को पार कर जाते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि PTI की जो लीडरशिप है सर, उसने कभी इसको एक सीरियस कैंपेन के तौर पर नहीं टेकअप किया कि इसको हम कर्ब करें, रोकें इसको। ये क्या वजह? मुबशर साहब, मैं इन सारी चीज़ों की मजम्मत करता हूँ,
जब तलाल और दानियाल जब वहाँ पे भी सोशल मीडिया के सेल में मैडम मरियम के पास बैठ के बात करते थे तो हम लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि आप लोग जो है वो सही बात नहीं करते हो और इनकी तारीफ़ की जाती थी। यहाँ पे भी अभी ये कल्चर है। मैं समझता हूँ प्रिंसिपल्स की सियासत होनी चाहिए, असूलों की सियासत होनी चाहिए, सब्र तहमल और बर्दाश्त के साथ होना चाहिए, अवाम का एहसास होना चाहिए। जो सारी चीज़ें शुरू होती हैं वो अखलाकियात से होती हैं और अखलाकियात जो है वो या माँ बाप की तरबियत होती है या टीचर की तरबियत होती है या अपने लीडर की तरबियत होती है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों की सारी जगह पे कमी है और इस वजह से किसी की बचपन की प्रैक्टिस सही नहीं है, किसी की अभी प्रैक्टिस सही नहीं है। तो कम से कम अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहती है सारी लीडरशिप, अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहती है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये खुशामदी गलत चीज को प्रोटेक्ट नहीं करे, गलत चीज को डिफेंड नहीं करे। तो बात ये है, बात ये है कि उसमें मैं वो गलत है, जो अगर सही ये है, वो हो सही रहा है ना, तो मैं एक वजह है कि राणा साहब मैं तीनों आप तीनों को मैं कसूरवार कहूंगा, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी। अब उसकी वजह आप सुन लें, वजह यह है कि क्योंकि आप में से किसी ने एक्टिव कोशिश नहीं की, चाहे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी की थी, एक दफा मोहतरमा शहीद ने कहा था लेकिन हुआ नहीं। स्टूडेंट यूनियंस को आप लोगों ने बहाल नहीं कभी होने दिया, उस वजह से ये बहुत एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है कि जो पॉलिटिक्स हमारी कैफेटेरिया की हद तक होनी चाहिए थी वो अब हमारी टॉक शोज में होती है, जो पॉलिटिक्स या जो गुफ्तगू या जो उसका मयार है। और दूसरी बात यह है कि माजत के साथ राणा साहब, इसमें आपकी हुकूमत बड़ी कसूरवार है कि लोकल बॉडीज को उन्होंने बड़ी ब्रेक लगा के रखी और उसको सही डिवॉल्व नहीं होने दिया, तो लोगों को हकीकी मानों में सियासत का पता ही नहीं चला। राणा साहब, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। मैं एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, आसन इकबाल सदर थे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के, टेक्नोलॉजी के, यूईटी के, इसी तरह से बहुत लोग हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ जो 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 कॉलेज की यूनियन से सलमान भट्ट, अमीरुल अजीम, सराजुल कॉलेज, डॉक्टर फारूक सरदार, बहुत लोग, झगड़ा साहब, सब लोग, बहुत लोग। तो अब वो एक चीज है जो वो पीछे रह गई है और आज इस हुकूमत को कर लेना चाहिए और कम से कम जो पाबंदियां लग रही हैं उनको कम कर देना चाहिए, स्पीच को सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर स्टूडेंट यूनियन और लेबर यूनियन नहीं होगी तो आपके मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे होगी? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि एक जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, एग्री विद यू, उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारियों को एहसास होता है, आपको अपनी आइडियोलॉजी का पता होता है, आप अपने मैनिफेस्टो को लेकर चलते हैं और आप ये देखते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी कैसे हैं। तो वो जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं जब आप उनको एलिमिनेट कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इंतहा पसंद पैदा करेंगे। एक मिनट है अपना रमेश साहब, अगर आपने को बात ऐड करनी है। मुबशर साहब, मैंने इस यूनियन के ऊपर बहुत स्टडी की है। यूनियन वहां पे कामयाब जाती है वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा हो, जहां पे भी यूनियन बनी है। मैंने एज ए फैक्ट्री के अंदर 95 में शुगर मिल चलाते थे, वहां पे भी मैंने देखी कि जहां जहां पे यूनियन होती है वहां पे मिसयूज किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो कम से कम हर जगह पे ट्यूआर्स स्टडीज होनी चाहिए, पहले उनको तरबियत भी देनी चाहिए, उसके बाद यूनियनबाजी की बात की जाए। जब ये माजी में भी यूनियनबाजी की बात जब हुई थी, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब आए, उन्होंने स्पीच के अंदर ये बात की थी। आपको पता है जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सारे इसको, आज पीआईए के अंदर सबसे ज्यादा यूनियनबाजी ने ये जो किया था, आज जब उनकी ड्यूटियां लगाना स्टाफ की उसकी जवाबदारी थी। यूनियनबाजी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, मगर उसके लिए भी कुछ टीआर होते हैं। यूनियन और बदमाशी में फर्क है ना रमेश साहब, यूनियन और बदमाशी में फर्क रहे, यही हुकूमतों का काम है। लेकिन अपनी इनएफिशिएंसी को लोगों के ऊपर तो मत थोपे ना कि लोग ये कर रहे हैं, अगर आप लोग इनएफिशिएंट हैं तो। जो कुछ जो लड़ाई झगड़े वहां होते थे वो फिर पॉलिटिकल लेवल पे आज की, अब जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो फिर आप सीख के आते हैं, फिर झगड़े होते थे, सब कुछ होता था। राना अफजल आपका, सहर कामरान आपका, रमेश कुमार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।